तेलंगाना न्यूज़, मैं हूँ पूजा रघुवीर आपके साथ। जिस तरह से प्रदेश में बारिश जो है दिन रात हो रही है, मध्य प्रदेश में लगातार नदियाँ जो है नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, शिप्रा सहित कई नदियाँ उफान पर है। बारिश की वजह से छोटी नदियाँ और नाले भी चढ़े हुए हैं। इसी के सिलसिले में हम बात करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जी से। राहुल जी, किस तरह से क्या हालात है बारिश से अभी, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए पूजा, आपको बताएं कि मानसून जो है वो इस समय पूरे मध्य प्रदेश पर मेहरबान बना हुआ है। लगातार जिस तरह से वातावरण में सिस्टम बने हुए हैं, उसी का असर है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और मालवा, निमाड़ और इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो चल रहा है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो तकरीबन 3 इंच के आसपास जो है इंदौर और आसपास बारिश दर्ज की गई है। जो मौसम विभाग हैं, कृषि महाविद्यालय पर जो मौसम केंद्र है, उसका जो आंकड़ा है वो तकरीबन 2.5 से 3 इंच का जो बारिश का आंकड़ा है वो दर्ज किया गया है। और कुल मिलाकर अगर बारिश की बात की जाए इस सीज़न में, तो अभी तकरीबन 19 इंच से ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। यानी काफ़ी अच्छी बारिश इस समय जुलाई में देखने को मिल रही है। और जो मानसून का और बारिश का जो कोटा है पूजा, वो आपको बता दें कि जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा बारिश हमेशा से होती है। और ठीक वो जो अनुमान और परंपरा पुरानी रही है, जिस हिसाब से कहें कि बारिश लगातार जुलाई में अक्सर तेज होती है और जो बारिश का काफ़ी ज़्यादा जो कोटा होता है वो जुलाई महीने में ही पूरा होता है, ठीक उसी तरीके से ही इस बार भी बारिश हो रही है। और ये बारिश जो है वो इस बार पूरे मध्य प्रदेश में एक समान हो रही है, यानी एक जैसी। राहुल जी, कहीं ना कहीं ये जो बारिश हुई है अभी तक जो है 21 इंच बारिश हो चुकी है, कहीं ना कहीं 12 इंच इस वक्त तक बारिश होती है, तो ये कहीं आफत की बारिश तो नहीं हो गई है, क्या लगता है आपको? देखिए इंदौर और मालवा निमाड़ रीजन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी रिमझिम बारिश हो रही है और ये सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा अच्छी बारिश मानी जाती है, क्योंकि इससे जो पानी है वो ज़मीन में रिसता है और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता है। ऐसे में जो मौसम वैज्ञानिक हैं, कृषि महाविद्यालय का जो मौसम विज्ञान केंद्र है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र है, ये तमाम जो विभाग हैं उनके आंकड़े यही बताते हैं कि इस तरह की जो बारिश होती है वो खासतौर से फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। और ऐसे में ये जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। फिलहाल क्या जो मौसम है वो, उसका आकलन क्या है, मौसम विभाग का क्या आकलन है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जो है उनका क्या आकलन है, उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है रंजीत वानखेड़े जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जिस तरह से पूरी बारिश हो रही है, अभी तक का क्या अनुमान सामने आ रहा है, क्या आकलन है विभाग का? देखिए अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल हो रहा है, आप हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय है और दोनों तरफ से मॉइस्चर मिलने की वजह से ट्रफ रेखा जो है हमारे ऊपर मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अच्छी रेनफॉल प्राप्त हो रही है और ख़ासकर मालवा और निमाड़ वैली में, तो इनमें अच्छी रेनफॉल की अभी कल भी संभावना अच्छी है हमारे यहाँ संभावना। फिर धीरे एक दो दिन का थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक आएगा, फिर उसके बाद फिर निरंतर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सर ये जो पूरा अभी जिस तरह से सिस्टम बने हुए हैं, इससे क्या पूरे मध्य प्रदेश पे असर हो रहा है, लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जो सभी जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। देखिए इसी मौसम में हम देखते हैं कि इंदौर में और जहाँ आसपास उज्जैन, रतलाम, नीमच और मंदसौर में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, और अपन बड़वानी और आप खरगोन खंडवा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छी बारिश हुई है। खरगोन खंडवा रीजन में, बुरहानपुर रीजन में बाढ़ के हालात भी बने हुए थे, काफ़ी तेज़ बारिश वहाँ पर हुई थी, क्या इससे मतलब एक ये कहें कि जो बाढ़ की स्थितियाँ हैं वो अभी आगे भी जारी रहेगी या फिर अभी इसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी? देखिए अभी तो राहत मिल सकती है अभी 2-3 दिन, फिर आने वाले समय में फिर सिस्टम जनरेट होगा तो हो सकता है अच्छी बारिश मिल जाए, तो वो निश्चित ही हो सकता है, बनने की संभावना बन सकती है। अभी कितने सिस्टम अभी प्रभावी हैं? देखिए अभी दो तरफ से हमें मॉइस्चर मिल रहा है, तो अरब सागर से भी मिल रहा होगा और बाया बंगाल से, दोनों मॉइस्चर मिलने की वजह से और ट्रफ जोन बनने की वजह से हमारे ऐसी रेनफॉल प्राप्त हो रही है। ये कब तक मौसम इस तरह से बना रहेगा, कितने तारीख तक अगर हम बात करें तो कब तक ये मौसम जो इसी तरह का बना रहेगा? देखिए कल भी बारिश की संभावना है, क्योंकि कल भी हमारे ट्रफ थोड़ी स्लोली मध्य प्रदेश से ऊपर यूपी के ऊपर जा रही, तो थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएगी तो निरंतर ये थोड़ा कम पानी प्राप्त होगा, पर एक दो दिन की बात है, फिर नीचे थी मौसम बनेगा तो फिर हमें प्राप्त होगी। इंदौर और आसपास के रीजन की बात करें, मालवा निमाड़ की बात करें, तो अभी बीते 24 घंटों में कितनी बारिश दर्ज की गई है और अभी तक का कुल बारिश का जो आंकड़ा है वो कहां तक पहुंचा है? देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहां जो कृषि महाविद्यालय प्रक्षिप्त एरिया है उसमें कल 53
एमएम के आसपास प्राप्त हुई है, मतलब 2 इंच के आसपास हमें प्राप्त हो गई, और इसी को हम जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ 18 इंच अभी तक बारिश प्राप्त हो चुकी है। ये औसत बारिश है कितनी है? देखिए ये औसत बारिश की, सामान्य बारिश के हमारे यहाँ जो आंकड़े लिए जाते हैं 950 और 960 एमएम के आसपास ही है, तो निश्चित ही हमें आधी बारिश अभी तक प्राप्त हो गई, और आने वाले समय में हमारे पास अभी अगस्त माह भी है और सितंबर माह भी है, तो हो सकता है हम अच्छी बारिश प्राप्त हो जाए। जो पुराने आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जुलाई में अधिकतम बारिश का जो कोटा है वो पूरा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित। तो अब जो जैसे सावन का महीना चल रहा है, ये भी कहा जाता है कि सावन की जो बारिश है वो अधिकतम कोटा हो जाता है, लेकिन जो बची हुई बारिश है वो भादों में भी होती है, तो क्या ये आगे कब तक जो बारिश का सीज़न है वो चलने का? निश्चित सावन में तो चलेगा ही, लेकिन पहले दिन तो गिरा है पानी, और निश्चित ही आने वाले दिनों में पानी गिरेगा। सर अगर इंदौर की अगर बात करें तो तकरीबन सारे जो तालाब हैं वो अपने अधिकतम स्तर को छू रहे हैं, यशवंत सागर है उसका गेट भी, एक गेट खोलना पड़ा है आज सुबह, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है पूरे उस अंचल में, खासतौर से देपालपुर का जो रीजन है उसमें ज़्यादा, इंदौर के आसपास में देपालपुर में सबसे ज़्यादा रीजन है, उसका फ़र्क है ये? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेनफॉल है, देखिए तो अपने यहाँ जो सिस्टम सक्रिय है, हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि हो सकता है देपालपुर में थोड़ी संभावना बारिश ज़्यादा होने की संभावना प्रेडिक्ट की गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूजा, आपकी जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र है कृषि महाविद्यालय का, उसका जो अनुमान है वो अभी तक सटीक बैठ रहा है, और जिस तरह से इंदौर और आसपास के रीजन की बात विभाग ने की थी और जो प्रेडिक्शन किया था उसके मुताबिक इंदौर और आसपास काफ़ी ज़्यादा बारिश और काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। देपालपुर का जो क्षेत्र है अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है इंदौर के, तो ऐसे में वहाँ पर ज़्यादा बारिश है, और उसी का नतीजा ये है कि यशवंत सागर बिल्कुल लबालब हो गया और सुबह इसका एक गेट खोलना पड़ा है। कुल मिलाकर अगर दूसरे तालाबों की बात करें जिसमें सिरपुर तालाब है, बिलावली तालाब है, जो छोटा सिरपुर तालाब है, ये तमाम जो तालाब हैं वो अपने अधिकतम स्तर के आसपास तक पहुंच गए हैं, जितनी इन तालाबों की क्षमता है उसके बिल्कुल थोड़े से ही कम में ये तालाब जो है इतना पानी वहाँ पर भर गया है। यशवंत सागर चूँकि फुल हो चुका है, यहाँ से शहर के एक बड़े हिस्से को तकरीबन 25% आबादी है पश्चिम इंदौर की, वहाँ पर पानी का सप्लाई होता है, और ऐसे में यशवंत सागर का जो तालाब है वो भी पूरी तरीके से फुल हो गया है, और ऐसे में आज सुबह इसका एक गेट खोलना पड़ा था और जो अतिरिक्त पानी था उसको नदी के जरिए बहाया गया है। तो कुल मिलाकर जो तालाब है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो चुका है, ऐसे में आने वाले ये कहें कि एक साल भर का जो पानी का जो कोटा होता है वो कहीं ना कहीं तालाबों के जरिए ही पूरा होता है। जो तालाब है वो जल स्रोत का एक काफ़ी बड़ा स्रोत होते हैं, और जो आसपास की जो बोरिंग और ये कहें कि हैंडपम्प्स होते हैं उसके रिचार्जिंग के लिए इन तालाबों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो ऐसे में अब इन तालाबों में भी चूंकि अच्छा पानी आ गया है, तो एक ये अच्छे आसार हैं कि आने वाले दिनों में जल संकट का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, और ये जो तालाब हैं वो लगातार भरते जा रहे हैं, जिस तरह की बारिश यहाँ पर हो रही है उससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर ये जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी साबित हो रही है अगर हम पानी के लिहाज से बात करें। बारिश इस बार जो है सावन महीने में ही भादों का भी कोटा जो है पूरा कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो नदियां हैं हमारी, जैसे नर्मदा नदी, कल भी एक हादसा सामने आया था जिस तरह से बस जो है नर्मदा नदी में गिर गई थी, और क्या कहीं ना कहीं उसका रीज़न यही था कि बारिश की वजह से नदियां जो है उफान पर है, और क्या उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं जिस तरह से ये चीज़ें हुई है, और क्या आगे की क्या योजनाएँ भी हो सकती है प्रशासन की, जिस तरह से अभी भादो महीना भी बचा हुआ है बारिश के लिए, सावन में ही उतनी बारिश हो चुकी है, तो क्या कह सकते हैं इस पर हम? देखिए पूजा, जो हादसा कल हुआ है वो एक अलग कारणों से हुआ था, उसमें पुल से जो बस थी वो सीधे नीचे नर्मदा नदी में जाकर गिरी थी, और एक रॉन्ग साइड से जो बाइक सवार आ रहा था उसको बचाने के प्रयास में ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन नदी नाले जो उफान पर चल रहे हैं, बाढ़ के कारण अभी तक का ऐसा कोई हादसा फिलहाल कहीं प्रदेश में ऐसा दर्ज नहीं किया गया है। हालाँकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर छोटे छोटे पुल होते हैं या पुलियाँ होती हैं, रपट बनाई होती है, वहाँ पर ज़रूर जो पानी है वो बिल्कुल इन रपट से ऊपर बह रहा है, और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पंचायतें हैं, पुलिस थाना है, जिला प्रशासन है,
वो अधिकारी वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए, लोगों को पानी में जाने से रोका जा रहा है। अगर किसी पुलिया से ऊपर से पानी बह रहा है तो वहां पर ग्रामीणों को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरी तरीके से व्यवस्था को संभाले और कोई हादसा ना हो, इसके लिए वाहनों को और ख़ासतौर से किसी भी लोगों को उस रपट पर जाने की इजाज़त नहीं जाती। तो ऐसे में अभी तक कहीं इस तरह का कोई हादसा जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसको लेकर तमाम तरह के एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं और जिस तरह का ये सीज़न बना हुआ है, जिस तरह का जो सिस्टम है वो लगातार दो तरफ से प्रभावी हो रहा है, ऐसे में ये ज़रूर अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का ये जो सिलसिला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और ये सिलसिला जो है वो अगले कुछ दिनों भी और जारी रहेगा। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि आने वाले समय में भी जो है बारिश अपना जो प्रचंड रूप है वो दिखा सकती है। बारिश जो है इस बार बहुत अच्छी हो रही है, सावन महीने में ही भादों का कोटा भी बारिश पूरा कर चुकी है। फिलहाल इतना ही।